नमस्कार, गुट्टी की पोटली यूट्यूब में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक रंग के डिजाइन का वीडियो लेकर आई हूँ। हमारा ये डिजाइन सीधी ओर से शुरू होता है, केवल 8 फंदों का डिजाइन है। 4 फंदे हम एक्स्ट्रा लगाएंगे और एक एक फंदा हमारा किनारे का रहेगा। हमारा ये डिजाइन केवल 4 रो में जाके कंप्लीट हो जाता है। इस डिजाइन का प्रयोग आप किसी भी प्रोजेक्ट पर करें, किसी तरह की ऊन पर करें, किसी तरह के रंग पर करें, ये डिजाइन बहुत सुंदर बनकर आता है। और ये डिजाइन बनाना बहुत आसान है। इसमें आप देख सकते हैं, मैंने केवल सीधे और उल्टे फंदों का प्रयोग किया है। अगर आप केवल सीधा और उल्टा बनाना जानते हैं तो भी आप बहुत आसानी से इस डिजाइन को बना सकते हैं। तो आइए अब हम डिजाइन बनाना शुरू करते हैं। डिजाइन बनाने के लिए बनाने से पहले एक हम्बल रिक्वेस्ट, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज 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 आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो आइए अब हम डिजाइन बनाना शुरू करते हैं। डिजाइन बनाने के लिए मैंने अपनी सिलाई पर यहां पर 8 के मल्टीपल में फंदे डाले हुए हैं। 4 फंदे एक्स्ट्रा हैं और एक एक फंदा मेरा किनारे का है। और सीधी साइड से ये हमारे डिजाइन की रो नंबर 1 है। पहला फंदा किनारे का, 4 फंदे उल्टे, 1 2 3 4, 4 फंदे उल्टे बनाने के साथ 4 फंदे सीधे, 1 2 3 4। एक बार हमने 8 फंदों का डिजाइन बना लिया। इसे डिजाइन को मैं रिपीट करूंगी, 4 फंदे उल्टे, 4 फंदे सीधे, 1 2 3 4, और 4 फंदे सीधे, 1 2 3 4। ये 4 फंदे एक्स्ट्रा, जैसे हम पहले 4 फंदे बनाएंगे एक्स्ट्रा स्टिचेस बिल्कुल वैसे बनेंगे। 4 फंदे उल्टे, 1 2 3 4, ये हमारा किनारे का। रॉन्ग साइड से रो नंबर 2 बना रहे हैं। पहला फंदा किनारे का बनाने के बाद रो नंबर 2 रॉन्ग साइड से हमें सारी की सारी उल्टी उल्टी ही बनानी है। इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। राइट साइड से रो नंबर 3 बना रहे हैं। पहला फंदा हमारा किनारे का, इस बार 4 फंदे सीधे पहले बनाएंगे, 1 2 3 4, 4 फंदे सीधे और 4 फंदे उल्टे, 1 2 3 4। इसे डिजाइन को रिपीट करेंगे। एक बार मैंने डिजाइन कंप्लीट कर लिया है। 4 फंदे सीधे, 1 2 3 4, 4 फंदे सीधे और 4 फंदे उल्टे, 1 2 3 4, और ये 4 फंदे एक्स्ट्रा। पहले फंदे सीधे आए हैं तो आखिर के फंदे भी एक्स्ट्रा फंदे सीधे ही आएंगे, 1 2 3 4, और ये फंदा हमारा किनारे का। सीधी साइड से रो नंबर 3 कंप्लीट कर ली है। रॉन्ग साइड से रो नंबर 4 बना रहे हैं। रॉन्ग साइड से रो नंबर 4 और रो नंबर 2 बिल्कुल सेम है, हमें सारी की सारी उल्टी उल्टी ही बनानी है। सीधी साइड से
एक बार मैंने अपने डिज़ाइन कंप्लीट कर लिया है और अब मैं सीधी साइड से रिपीटेड रो नंबर एक बना रही हूँ। पहला फंदा मेरा किनारे का, चार फंदे उल्टे, एक दो तीन चार, और चार फंदे सीधे, एक दो तीन चार, फिर से चार फंदे उल्टे, एक दो तीन चार, और चार फंदे सीधे, एक दो तीन चार। शुरू में चार फंदे उल्टे हैं तो एक्स्ट्रा फंदे भी चार फंदे उल्टे आएंगे, एक दो तीन चार, ये फंदा मेरा किनारे का। एक बार हमने डिज़ाइन इस तरफ से रिपीट कर लिया, एक बार हमने ऊपर से रिपीट कर लिया। डिज़ाइन केवल इतना ही है और नज़र भी आना शुरू हो गया है। इसी तरह से बनाते हुए हम अपने डिज़ाइन को दोनों साइड से जितना मर्जी बड़ा कर लें। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स ज़रूर करें। जल्दी ही मिलेंगे गुट्टी की पोटली में एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए गुट्टी की पोटली। नमस्कार, धन्यवाद।